लेमन पिकल के लिए, नींबू के अचार के लिए मैंने यहाँ पे 10 10 20 नींबू लिए हैं। ये हरी मिर्ची ली है मैंने, 20 से 25 हरी मिर्ची काट के ली है। इसको बीच में से ऐसे कट करके लेना चाहिए। और मसाले के लिए यहाँ मैंने अजवाइन लिए हैं 1 चम्मच, 2 चम्मच राई ली है, 2 चम्मच हल्दी ली है और आधा चम्मच मेथी के दाने लिए हैं। अब मैं इसको अच्छी तरह भून के पीस लूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। लिए मैंने मसाला भुनने के लिए मैंने यहाँ पे तवा चढ़ा दिया है गैस पे। अब मैं ये सब इंग्रेडिएंट्स इस पे तवे पे डाल देती हूँ। इसको ज़्यादा नहीं भुनना है हमें, हल्की आंच पे गैस का फ्लेम स्लो करके हल्का हल्का भून के लेना है। देखिए ये मैंने मसाला भून लिया है। अभी इसे ठंडा होने देते हैं थोड़ी कुछ देर के लिए। ठंडा होने के बाद इसको हम मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसमें नींबू डाल दिए हैं। अब मैं इसे मैं हरी मिर्ची डाल रही हूँ। ऐसा एक कंटेनर ले लीजिए आप छोटा सा। और मैंने आपको पहले नहीं बताया, मैंने ये मिर्ची और नींबू आधे घंटे के लिए अच्छी तरह धो के धूप में सुखा के लिए है। आधा घंटा धूप में सूखने के लिए रख दो। अब मैं इसमें मसाला ऐड कर रही हूँ, जो मसाला मैंने भून के पीस लिया था। ये देखिए मैंने मसाला ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें हल्दी ऐड कर रही हूँ। मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, नमक ज़्यादा ही डालना चाहिए हमें। मैं 2 स्पून डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। अब मैं इसे अच्छी तरह मिक्स कर ले रही हूँ। अब इसमें हमें तेल नहीं डालना चाहिए। अभी इसको मैं थोड़ी देर ऐसे ही रख दूंगी, फिर इसमें मैं थोड़ी देर के बाद फिर लेमन का रस, 4-5 लेमन का रस डाल दूंगी। ये देखिए मैंने यहाँ पे 4-5 5 नींबू का रस काढ़ के लिया है। अब मैं ये रस इसमें ऐड कर देती हूँ। अब हमें इसमें झोंक नहीं लगाना है, इसको हम कम से कम 1-4 दिन के लिए धूप में अच्छे से सूखने देंगे। फिर बाद में इसको हम तेल और आप हल्दी से लगा सकते हो, या हींग हो तो हींग से लगा सकते हो। सिर्फ हल्दी और हींग डाल के इसमें छौंक लगा देंगे तो ये अचार आपका बन जाएगा। 8 कम से कम 4 दिन इसको आप अच्छी धूप लगाओ, तभी आपका।